मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की भागते हुए आती है और एक रूम में घुस जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि एक लड़का खुद को पॉर्न देख के सेटिस्फाइड कर रहा है और वो एक दूसरे को देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है हॉस्टल के रूम में तीन दोस्त मिलकर एरोटिक वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उठता है और वो उठकर देखता है कि उसके पैरों के नीचे चूहे की एक पूंछ दबी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। उसे चिल्लाता हुआ देख दोनों दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन एनसिक उस चूहे को उठा लेता है और उसे खाने की एक्टिंग करने लगता है। उसी वक्त उस रूम का गेट कोई खोल देता है और वो चूहा उसके हाथ से छूटकर उसके मुंह में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से उसके दोस्त उसे अवॉइड करने लगे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वो देखता है एक खूबसूरत लड़की को जिसको वो नहीं जानता था, क्योंकि उस लड़की ने न्यू एडमिशन लिया था। वहाँ पर वो उसे कंटिन्यूसली देखता रहता है और उसके पैरों को भी देखता है। वहाँ पे मौजूद एक लड़की जिसका नाम एनहायो है, वो अपने दोस्तों से पूछती है कि एनसिक को ये सब किसने सिखाया है। कैंटीन के बाहर हम देखते हैं कि सब लोग उसी लड़की को देख रहे हैं। उसके बाद एनसिक अपने दोस्तों से पूछता है कि ये न्यू गर्ल कौन है। ये सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं, क्या तुम इसे नहीं जानते, ये एनहायो ली है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्वीन है। कॉलेज के बाद एनहायो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है। वो मेट्रो के अंदर होती है, वहीं पर एक लड़का एनहायो के बैग पर टच करता है, उसके बाद वो चला जाता है। तभी एनसिक वहां पर आता है और उसकी जगह ले लेता है, अपने रिप्रोटेक्टिव पार्ट से टच करने लगता है। उसके बाद एनहायो उसके प्राइवेट पार्ट पर एक किक मारती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। उसके बाद एनहायो उसे मिलने हॉस्पिटल में जाती है और उसे सॉरी बोलती है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एनसिक 28 इयर्स का था और एनहायो 22 इयर्स की थी। बातें करते करते एनसिक बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी रिक्वेस्ट करोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल के अंदर बताया जाता है, जहां पर एनसिक और एनहायो और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी साथ में होते हैं। वो आपस में बात करते हैं। जिनके पास क्लब रूम नहीं है वो स्टूडेंट्स एरोबिक रूम शेयर करते हैं। उसके बाद एरोबिक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी टीचर उन्हें डांट रही होती है और बोलती है, क्या मजाक चल रहा है ये सब, सेमेस्टर खत्म होने से पहले आप किसी भी बॉय को यहाँ पर नहीं ला सकती। उसके बाद वो क्लास लेना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद एक लड़की एनसिक से स्ट्रेचिंग करने के लिए कहती है, उसके बाद वो उसके साथ स्ट्रेचिंग करता है। उसी समय हम देखते हैं कि एनहायो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर आ जाती है और वो उसे देख लेती है। उसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी दिन वो नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर एनसिक एनहायो के साथ डांस करता है, लेकिन एनहायो को वहाँ पर शेंगवुक नजर आता है जो कि स्कूल का फेमस बॉय है, जिसे किंग बॉय भी कहा जाता है। तब एनहायो एनसिक को छोड़कर उसके साथ डांस करने लग जाती है। वहाँ पर वो उससे बात भी करती है, उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ होते हैं। उसमें से एक लड़की शेंगवुक से पूछती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड जीवन को यहाँ पर क्यों नहीं लाए, जिस पर शेंगवुक कहता है कि आज मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एरोबिक रूम में, जहाँ पर एनसिक और एनहायो दोनों होते हैं। वो दोनों अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है। वो आवाज शेंगवुक की गर्लफ्रेंड जीवन की थी। वो एनहायो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और एनहायो भी पलटकर उसे वापस थप्पड़ मारती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एनसिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही धुन में लगा हुआ था। एनहायो जो कि गुस्से में बैठी हुई थी, तभी शेंगवुक वहां पर आता है और एनहायो को गले लगा लेता है और वो उसे अपने रूम में ले जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एनसिक उनकी आवाजें सुनता है और खुद को प्रेजेंट देने लगता है। कुछ देर के बाद एनहायो रूम से बाहर निकलती है पानी लेने के लिए, तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर वो वापस रूम की तरफ भागने लगती है, लेकिन रूम लॉक था। उसके बाद वो भागते हुए एनसिक के रूम की तरफ जाती है। वहाँ वो देखती है कि एनसिक मास्टरबीट कर रहा है। दोस्तों ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, वो एनसिक ही था जो खुद को सेटिस्फाइड कर रहा था मास्टरबीट करके। एनसिक और एनहायो एक दूसरे को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एनहायो की सिस्टर अपनी फ्रेंड से बोलती है कि उसकी सिस्टर का बर्थडे है, मतलब कि एनहायो का बर्थडे है। एनहायो का बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स बोलती है, क्या करने वाले हो इस बर्थडे पर। दूसरी तरफ एनसिक एनहायो के लिए बर्थडे रिंग खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस रिंग को खरीद सके। पैसे कमाने के लिए वो एक करोके बार में जाते हैं और वहाँ पर डांस करके मनी अर्न करते हैं। इसी बीच एनहायो को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये सब शेंगवुक को जाकर बताती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिया। नेक्स्ट डे शेंगवुक एनहायो से जाकर मिलता है और वो उसे अपना एटीएम कार्ड देता है। इस बात पर एनहायो गुस्सा करती है और वो उसका कार्ड उसके मुंह पर मार के चली जाती है। उसी शाम एनहायो क्लब रूम लौटती है, जहाँ पर उसके दोस्तों ने
उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी। वहाँ पर एनसिक उसके फेस पर केक मारता है और उसे रिंग देता है, लेकिन एनहायो पहले से परेशान थी और ज्यादा गुस्से में थी। इन सब के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एनसिक के मुँह पे थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि एनहायो एनसिक को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। एनसिक को यह सुनकर ऐसा लगता है कि आज फाइनली वो उसके साथ डेट पर जाएगी। उसके बाद वो अच्छे से रेडी होता है और वो अपने हेयर स्टाइल करता है और वो हेयर स्टाइलिंग के लिए स्ट्रॉबेरी जैम लगाता है। हाँ, आपने सही सुना, जैम। लेकिन एनहायो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है उसका अबॉर्शन कराने के लिए। इस बात पर एनसिक थोड़ा उदास हो जाता है। एनहायो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसका अबॉर्शन हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि एनसिक बार बार अपने बालों में से मक्खियों को उड़ा रहा था क्योंकि उसने अपने बालों में स्ट्रॉबेरी जैम लगाया था। उसके बाद वो एनहायो की बहुत अच्छी तरीके से केयर करता है और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे हर तरीके से खुश रखना चाहता है, जिसलिए वो उसे क्लीन करता है और उसका हर तरीके से ख्याल रखता है। ये सब देखकर एनहायो इमोशनल हो जाती है। एनहायो को हंसाने के लिए एनसिक तरह तरह के नाटक करता है। वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था। वो उसे हंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। ये सब देखकर एनहायो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत रोती है। कुछ दिनों के बाद उनके सेमिस्टर्स के शो स्टार्ट हो जाते हैं और हमें बताया जाता है एनसिक को वो अपने शो को कर रहा होता है। उसमें वो अपने चेस्ट पर सीमेंट ब्लॉक्स रखता है और एक आदमी हैमर से उसको तोड़ रहा होता है। तभी एनसिक एनहायो को आता हुआ देखता है और उसे देखते हुए उठने लग जाता है। तभी वो हैमर एनसिक के सर पर लग जाता है। एनहायो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, तब भी वो अपने एरोबिक चैंपियनशिप में जाती है और परफॉर्म करती है। उधर एनसिक भी होश में आ जाता है और वो एनहायो को देखने के लिए आता है, लेकिन वहाँ खड़े गार्ड्स उसे बाहर लेकर चले जाते हैं। एनहायो अपना शो कंप्लीट करती है। उसके बाद एनसिक एनहायो से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एनहायो को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। एनसिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो गुस्से में उठकर शेंगुक के पास जाता है। वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था पार्टी में। वहाँ जाकर एनसिक उसे बहुत मारता है और वापस एनहायो के पास चला जाता है। अब एनसिक और एनहायो बहुत ज्यादा खुश है और उसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो भाई लोग, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई लोग यार, तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप सबके प्यार के साथ हमने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। बस आप अपना प्यार इसी तरीके से चैनल को देते रहिए। बहुत जल्द हम 100 सब्सक्राइबर्स से 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू अ लॉट।